हेलो कक्षा 10 की स्टूडेंट गणित कक्षा 10 गणित परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ परिमेय चरणों के बाद अंत हो जाता है, प्रसार का अंत हो जाता है, यानी कि दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, परिमेय संख्याओं का ऐसा प्रसार जिसमें कुछ परिमेय चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, तथा शेषफल की पुनरावृत्ति होगी इसके बाद क्या होगा, जो भागफल आएगा उस भागफल की भी पुनरावृत्ति होने लगती है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, और जो तुम्हारा भागफल होता है भागफल की भी पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें हम एग्जाम्पल में दें शांत दशमलव प्रसार का जो एग्जाम्पल होगा, जैसे 1/2 देखा जाए, 2 का भाग देंगे तो ये देखिए दशमलव प्रसार का अंत हो गया। इसी प्रकार देखा जाए 1/2 या समझ लें 3/4 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे 0.10 बढ़ेगा, 4 7 8 4 5 20 हो जाएगा। इसी प्रकार ये शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करेगा, शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करेगा। अब अशांत दशमलव प्रसार के जैसे उदाहरण देख लें एग्जाम्पल, ये शांत दशमलव प्रसार जो उदाहरण है अशांत दशमलव प्रसार की उदाहरण। इसमें देखा जाए जैसे 1/2 तुम्हारा लिखा है 1/3, तो यहाँ भाग देंगे तो 3 तरह के 9 इस प्रकार चलता जाएगा। ये क्या है, दशमलव प्रसार निरंतर जारी है, और देखिए यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3, ये बार का चिन्ह लगा देती है, रेखा दंड का चिन्ह लगा देती है, इसका मतलब है कि इस संख्या का बार बार आना। ये इस प्रकार का इसको देखें 1/9, ये क्या आएगा 9 × 9, दशमलव लगाए 0, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, यहाँ पे एक पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 बार। इस प्रकार ये अशांत आवर्ती दशमलव को प्रदर्शित कर, आवर्ती क्यों कहा गया, क्योंकि ये देखो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, यहाँ अंक की पुनरावृत्ति हो रही, 3 की यहाँ 1 की हो रही है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के जो हर होता है, यहाँ पे देखा जाए तो शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या जो होगी, शांत दशमलव प्रसार तभी निरूपित करेगा, निरूपित होगा जब परिमेय संख्या के हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 की दोनों की घात के रूप में हो, यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार तभी निरूपित करेगा जब परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या 2 और 5 दोनों की घात में हो। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ जो तुम्हारा 7 दशमलव निरूपित किया, 2 अगर हर देखा जाए, इसमें हर क्या है 2 है, तो इसमें 2 की घात 1 है, तो ये 7 दशमलव को निरूपित करेगा।
इसमें हर क्या है, इस वाले में चार है, इसमें दो घात दो, दो की घात में। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लें, जैसे दिखा 3/25, तो इसका यदि हम भाग करेंगे तो सात दशमलव प्रसार करेगा, यानी दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कितना है इसमें, इसमें हर है कितना 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 घात 2, तो 5 की घात के रूप में है, तो ये सात दशमलव प्रसार को रूपित करेगा, भाग देना आ जाएगा। ऐसे हम यदि लिख दें 13/ हमने लिख दिया 50, तो इसमें देखिए इसमें हर क्या है, हर है इसमें 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 = 50, 2 × 5 = 10, 5 × 50, तो 2 की घात 1 और 5 की घात 2, तो ये भी शांत होगा, ठीक है, शांत दशमलव होगा। ये भी क्या होगा, ये भी शांत दशमलव को निरूपित करेगा। क्यों? क्योंकि 2 की घात है और 5 की घात में, यानी कि 2 की घात 1 इनकी 5 की घात 2 में, हमने बताया 2 की घात में हो या 5 की घात में या 2 या 5 दोनों की घात में हो, हर के बाद वर्णन करें तो शांत दशमलव प्रदर्शित होगा, शांत दशमलव को निरूपित करेगा वो परमेश्वर का।